सॉरी भूल गए। सॉरी अब जल्दी जाओ और लेके आओ। हाँ पियू मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है। तो मेरी प्रिंसेस पैकिंग कर रही है। हाँ पैकिंग करना इतना टफ चीज है पता है। और आप मेरे लिए क्या लाए? मैं अपनी पीहू के लिए कैंडीज और चॉकलेट्स लाया हूँ। यस और दादी आपके फेवरेट स्नैक्स बना रही है। जब आप जाओगे ना उसको अपने हैंड बैग में रख लेना ताकि आप इजीली उसको खा सको जब आपको भूख लगे। ओके ओके। एंड पीहू लिसन, आप वहाँ पापा के साथ जा तो रहे हो लेकिन पापा को वहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना क्योंकि वो काम से जा रहे हैं ना तो वहाँ पे बिजी होंगे। ना ना मैं पापा को डिस्टर्ब क्यों करूंगी, मैं तो बिग गर्ल हूँ ना। गुड। भैया आपको भी ऑस्ट्रेलिया जाना था ना, पापा आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा रहे इसलिए आप सैड हो ना। नहीं पापा, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आप पापा के साथ जा रहे हो एंड आई एम वेरी श्योर कि आप पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। राइट। वैसे भी पापा जब भी आपके साथ होते हैं ना तो वो हमेशा हैप्पी रहते हैं और यही तो मुझे चाहिए। पर पापा सब पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हमें ना उनका एक निकनेम रखना चाहिए, सड़ू कुमार। सड़ू कुमार नहीं, रावण कुमार। रावण कुमार कितना फनी नेम है ना, अब मैं पापा को रावण कुमार ही बुलाऊंगी। नहीं नहीं पियू, पापा को कभी भी इस नाम से मत बुलाना ठीक है, वरना वो अपसेट हो जाएंगे। ओके नहीं बोलूंगी, पर क्यों? पियू तुम ना बहुत टाइम वेस्ट करती हो, अब जल्दी से पैकिंग करो, हमें जाना है ना एयरपोर्ट और वैसे भी पापा ने बोला है कि मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करूं। जल्दी से पैकिंग करो वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। और अगर आपकी फ्लाइट मिस होगी तो आप रोहान द रॉकस्टार से कैसे मिलोगी? वाह, ऑस्ट्रेलिया में आ रही हूँ, रोहान में आ रही हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग रोहान, जस्ट कम इन। आर यू ओके? आई सेड जस्ट कम इन। तुमने क्या कहा अपनी मॉम को? कल वो पुलिस लेकर मेरे घर में आ गई थी। मैंने अम्मा को वही बताया जो मैंने देखा, मैंने मैम के हाथ में विप देखा था। एंड आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू। जिस तरह से वो तुम्हें टॉर्चर करती है वो सही नहीं है, और जिस तरह से तुम वो सहते हो वो उससे भी ज्यादा गलत है। आलिया प्लीज शट अप। और किचो तुम मुझे फ्री का ज्ञान दे रही हो ना, ये अपने पास ही रखो। हैव यू लॉस्ट इट? हाउ डेयर यू कंप्लेन अबाउट माय मॉम? रुहान मेरी अम्मा ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरे कहने पे ही कंप्लेन की थी। दिल की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न्ड है। शी जस्ट वांटेड टू हेल्प यू, दैट्स इट। तुम्हारी आंखों पर भी वही चश्मा चला हुआ है इसलिए तुम उसकी असलियत नहीं समझ पा रही हो। एक सेकंड, तुम मेरी अम्मा के बारे में ये सब बोल रहे हो? तुम होते कौन हो उनके बारे में ये सब बोलने वाले? यू डोंट इवन नो हर। तुम उनको जज कैसे कर रहे हो? मैं जानती हूँ मेरी अम्मा दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा है क्योंकि वो मेरी अम्मा है। प्लीज आलिया, मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम होने का ड्रामा करती है, और जब वक्त आता है तो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। एक्सक्यूज मी रोहान सर, आप बहुत बड़े पॉप सेंसेशन होंगे, मेरे सर होंगे, लेकिन दिमाग और एज में आप मुझसे छोटे हो। आप जानते हो मैं किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? यू डोंट इवन नो हर, यू कांट जज हर। मेरी मॉम जैसे कंपैशनेट और लविंग कोई हो ही नहीं सकता। और मैं आज के बाद एक और वर्ड नहीं सुनूंगी उनके बारे में, माइंड इट। तो जाके कह दो अपनी अम्मा से कि अगली बार से मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। मेरी मॉम को अच्छे से पता है कि मेरा ख्याल कैसे रखना है और मुझे किसी और औरत के कंपैशन और केयर की जरूरत नहीं है, समझे तुम? I'm sorry but that's really sad. I know तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो इसलिए तो ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, बट ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं और मेरी अम्मा तुम्हारी पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करें तो इट्स ओके, आई विल नॉट। आज से मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगी, आई बी ए प्रोफेशनल नाउ एंड आई थिंक आई शुड कंटिन्यू विद माय जॉब। निश्चिता भल्ला, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है ना, तुम मतलब ही हो तुम। रिचा, मैंने फ्रूट्स काट दिए हैं।
तुम एक काम करो, इनको ना कस्टर्ड में अच्छे से डाल देना और मैं आलिया के लिए पेस्ट्री लेकर आऊंगी, ठीक है? तो उसको बोलना वो अभी कस्टर्ड नहीं खा ले, पेस्ट्रीज का वेट करे। मैम तो आपका इंडिया वाला न्यूज प्रोग्राम फिनिश हो गया? इट्स डन, बस मुझे जाना ही है अभी, बस जल्दी से। नेक्स्ट न्यूज अपडेट फ्रॉम दिल्ली। This week, Business Excellence Award function took place in Delhi. Renowned entrepreneurs and businessmen were present. Like every year, the Business Excellence Award was given to Mr. Raman Badla. Mr. Raman Badla's entire family was present at the award function. शकुन रमन की वाइफ, रमन ने उससे शादी। अच्छा ही तो हुआ ना, शकुन ने सबकी जिम्मेदारी संभाल ली। आज जाके पता लगा, सच अ रिलीफ। और मेरे बच्चों के पास एक माँ है। Misha Jesse, you haven't changed. Khush hoon ki na? Maine unhe saath mein kehte the ki main aapke saath hoon. Isliye zindagi ki sari pareshaniyan maine hi to shaadi bhi nahi aur ye award bhi hai. Kitne award jeete ho aap? शुक्र है, मेरे बिना सुकून तो है आपकी जिंदगी। But I miss you so much. मैडम, मैंने वो कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया है, और कुछ? आलिया इंडियन खाएगी तो इंडियन फूड का अरेंजमेंट कर लो। ओके मनी, रिलैक्स, अचानक दिख गया इसलिए, बट आई एम ओके, आई एम फाइन। ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, आई हैव मेड सम कस्टर्ड, फ्रिज में रखा है, बट तुम खाना नहीं अभी उसे, ठीक है? पेस्ट्री लेकर आ रही हूँ मैं, सो जस्ट वेट फॉर इट, लंच वंच के बाद में। ओके, चलो सी यू। तुम्हें क्या लगता है ईशो, तुम छुपाओगी, हर बात मुझसे छुप जाएगी? मैं भी देखता हूँ, सब समझता हूँ।
मैं तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर सकता हूं ईशु। शायद यही प्यार है। काश मैं तो मेरा मन से मिलवा पाता।